हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 25. दिस इज़ अगेन ऑन इक्विवेलेंट कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, बट दिस टाइम दिस इज़ अ वेरी यूनिक मेथड एंड वी अप्लाई दिस मेथड ओनली इन सिमेट्रिकल सर्किट्स. एंड व्हाट इज़ दिस सिमेट्री एंड ऑल दैट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन दिस वीडियो. लेट्स सी वन बाय वन. देखो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. बट इसको डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दो तरह की सिमेट्रीज हम पढ़ने वाले हैं. देखो, पहली बात ये है कि ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग दिस ए एंड बी. दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन मैंने ये वाइट कलर में बना दी. दो तरह की सिमेट्रीज क्या होंगी? एक होगी, एक लाइन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. इस तरफ का सर्किट और इस तरफ का सर्किट अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हो तो हम बोलेंगे दिस इज मिरर सिमेट्री. मिरर सिमेट्री से ज्यादा बेटर होगा, याद रखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए भाई इसमें. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस तरफ की सर्किट और इस तरफ का सर्किट बिल्कुल सेम होना चाहिए, पहली बात. अब इसकी क्या खासियत है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसके मिरर सिमेट्री या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले की? अपनी कॉपीज पे अच्छे से नोट करोगे. फर्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा सिमेट्रिकल हो जैसा यहां दिखाई दे रहा है, तो जो करंट्स यहां से चलेंगी, ये आपका, ये ऐसे है ना, यहां से जो करंट चलेगी और I1 I2 में डिवाइड होगी, तो I1 I2 यहां पहुंचेगी जरूर. दैट इज डन, ये पक्का है. मतलब अब अच्छा ऐसा होने वाला है, ठीक है. I1 I2 निकलेगी और ये वाली जो यहां से अगर I1 I2 निकली, ऑब्वियसली अगर ये सिमेट्रिकल है तो जितनी ब्रांचेस यहां से निकल रही होंगी, जैसे यहां से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, दो, एक और ये नीचे, तो यहां की करंट यहां जाएगी, यहां वाली करंट यहां जाएगी. ये डन है. एक बात ये करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. ये बड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. 3-4 वीडियोज बनाने पड़ेंगे इनके सिमेट्रिकल सर्किट्स, ठीक है. तो एक ये आ गया, एक नीचे से आ गया, फाइन. तो I1 I2 ये बराबर है, एक बात ये याद रखोगे. दूसरी बात, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस मिटा दो. सबसे मजेदार बात, मिटा दो, सर्किट देखो कैसा बनेगा. देखो मैंने बनाया, मिटा दो, खत्म हो गया क्वेश्चन. व्हीटस्टोन ब्रिज भी यही आंसर दे रहा था. इसका आर इक्विवेलेंट क्या आया? आर, ठीक है. अब देखो, अब इसी सर्किट पे मैंने, ये दोबारा आ गया, इसी सर्किट पे मैंने दूसरी सिमेट्री भी लगाई है, देखना कैसे. उसमें क्या होगा? फर्स्ट, दिस इज द लाइन, वाइट कलर लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. नाउ द सिमेट्री इज अलोंग दिस लाइन ओनली. देखो मैंने लाइन कहां बनाई है इस बार, जो रेड कलर की बनाई है. मैंने हर बार रेड कलर की बनाई है सिमेट्री वाली. तो ये जो पिछली बार कहां बनाई थी, ऐसे, इस वो परपेंडिकुलर थी, ये कैसी है? ये बिल्कुल उसी के ऊपर है. किसके ऊपर? जो लाइन ए और बी को ज्वाइन करती है उसके ऊपर, ठीक है. अब इसकी क्या खासियत अगर ऐसी सिमेट्री हो? इसमें दोनों सिमेट्रीज हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले में. क्या इसमें क्या होना चाहिए? इसके ऊपर का सर्किट, ध्यान देना प्लीज, इसके ऊपर का पार्ट और इसके नीचे का पार्ट क्या होना चाहिए? मतलब इसके दोनों तरफ का पार्ट, ऊपर नीचे नहीं बोलने की जरूरत है, इसके एक तरफ और दूसरी तरफ बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट होना चाहिए. वो है भी. और अगर ऐसा है, इसकी क्या खासियत है? इसकी ये खासियत है कि जो इसके नीचे तीन नोड्स होंगे ना, जैसे ये, ये और ये नीचे वाले तीन नोड हैं, और ये इसके ऊपर वाले तीन नोड हैं, एक तरफ वाले नोड और दूसरी तरफ वाले नोड. ऊपर नीचे हर बार नहीं ना होगा, बताऊंगा आपको हर बार क्यों नहीं होगा. ये नीचे वाले नोड और ये ऊपर वाले नोड, मतलब एक तरफ के नोड और दूसरी तरफ के नोड, ये हमेशा क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे. अगर ये x है तो ये भी x पोटेंशियल पे, अगर ये y है तो ये भी y पोटेंशियल पे, अगर ये z है तो ये भी z पोटेंशियल पे.
अब इससे होता क्या है, पहली काम देखो, जैसे ये वाई और वाई देखा, अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों जगह सेम पोटेंशियल है, इसको उड़ा दो। ये पिछली बार भी उड़ गया था, इस बार भी उड़ेगा, लेकिन रीजन डिफरेंट है, समझ लेना बात को। यहां पे उड़ने का कारण है कि ये पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल सेम आ गया, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम आ गया उसमें से कोई करंट नहीं जाएगी, इसलिए वो गायब। और दूसरी बात, हम क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में आ गए, इसलिए इसको देखो कैसे बनाते हैं। ये देखो, मतलब नीचे वाला सर्किट फोल्ड करके ये इसको इसके ऊपर रख दो, और जब ऊपर रखोगे, ठीक है, ये तो गायब हो चुका है आर वाला, तो इसके जब ऊपर रखोगे तो ये भी आर बाई टू, ये भी आर बाई टू पैरेलल है ना, ऊपर रखने का मतलब पैरेलल आ गया, तो ये आ गया पैरेलल, ये आ गया। आंसर अभी भी कितना आया, आया बड़े डिफरेंट ढंग से, लेकिन आंसर उतना ही आया। प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा ये, ठीक है, ये उतना आएगा। और मैं काफ़ी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वीडियोस के अंदर ही, आप अच्छे से एक एक चीज़ को सुनते जाओ, एक एक चीज़ को नोट करते जाओ, कोई डिफ़िकल्टी होगी सब क्लियर कर दूंगा मैं। ये नेक्स्ट सर्किट, अब इसमें कौन सी सिमेट्री बनती दिखाई दे रही है आपको, देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कौन सी सिमेट्री बनती दिखाई दे रही है, ये लाइन आ गई, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली सिमेट्री ही हो सकती है, दूसरी सिमेट्री इसके अलॉन्ग हो नहीं सकती, नीचे कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अगर सेम होता तो ये वाली सिमेट्री लगती, कौन सी वाली, सेकेंड वाली, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली नहीं, दूसरी वाली अलॉन्ग द लाइन वाली, तो अलॉन्ग द लाइन ए बी के सिमेट्रिकल नहीं है ये, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो परपेंडिकुलर वाली है, आओ चेक करें, बिल्कुल है, जितना पोर्शन यहाँ उतना पोर्शन यहाँ। अब इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये कि अगर इसके यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आता तो वो गायब कर देते, है ही नहीं, अनलकीली नहीं है, छोड़ दो। और क्या था बात, और जितनी करंट यहाँ से ब्रांचेस से निकलेगी आई वन आई टू, तो यहाँ पे भी I1 ही जाएगी, यहाँ पे भी I2 ही जाएगी, देख सिमेट्रिकली ये। अब ये लग नहीं रहा था ना, अगर नॉर्मली हम अपने कॉन्सेप्ट देखें तो ये दोनों सीरीज में है ही नहीं, क्योंकि ये तो करंट यहाँ पे भी घुस जानी थी, लेकिन यही है सिमेट्रिकल की कहानी। अगर तुमने प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्री है तो ये वाली करंट इसके सेम होगी, इसका मतलब ये देखो आपकी सिमेट्रिकल लाइन कहाँ से पास कर रही है, जब भी किसी जंक्शन से पास करेगी, याद रख लेना, ये जंक्शन से पास कर रही है, ये जंक्शन यहाँ से तोड़ दो, पास करी इस जंक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वाली करंट और ये वाली करंट ने सेम होना ही होना है, और ये सेम तभी हो सकती है अगर ये कनेक्शन ना हो, तो ना हो तो हमने कर दिया ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, खुद सॉल्व करो, वो आगे कुछ नहीं है। अगर वो नहीं आता तो फिर अभी बड़ी दूर हैं हम, फिर हम सिमेट्रिकल करने लायक नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे। ये लो, इसमें भी कौन सी सिमेट्री, जल्दी बोलो कौन सी सिमेट्री, वो हो नहीं सकती अलॉन्ग द लाइन वाली, हो नहीं सकती, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ड्रा कर दे, ड्रा कर दे तो खुशी हुई, जैसे ही कोई रेजिस्टेंस उसके ऊपर ऐसे लाई करे जैसे यहाँ लाई कर रहा है, अलॉन्ग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई करे, उसको उड़ा दो, उड़ा दिया हमने, ये देखो उसके आगे बच नहीं कुछ जाता, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, लास्ट में ये चारों सीरीज में, फिर ये इसके साथ पैरेलल में, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। अब ये देखो, ये सारे आ रहे हैं, अब ये सारे आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये सारे आ रहे हैं तो ये बड़ा एक सर्किट अच्छा है। इसमें पता क्या खास है, मैंने क्यों बनाया ये, इसमें दोनों सिमेट्रियां लगती हैं, इसलिए हम जो जिसमें दोनों लगती हैं उसको दोनों से सॉल्व करके देखना चाहिए। पेपर में दोनों नहीं करने, पेपर में जो आपको बेटर आता है वो करो, लेकिन पहली बात ये कि अलोंग द लाइन वाली जरा करें, ये वाली, जैसे ये लगाई ना, देखना प्लीज सर ध्यान से, जैसे ये लगाई तो क्या चेंज होगी, यहां से करंट निकली मान लो I1, यहां से निकली I2, यहां से निकली I3, नहीं एक मिनट, ये लाइन आ गई आपकी लाइन, एक मिनट, ये आ गई आपकी लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ठीक है, पहले परपेंडिकुलर वाली कर लेते हैं, पहले परपेंडिकुलर वाली करते हैं, तो मैंने एक परपेंडिकुलर पे लाइन बना ली, क्या ये सर्किट इसके इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल सेम है, फाइन, पहली बात। क्या इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस यहाँ लाई कर रहा है, कर रहा होता तो बिंदास उड़ा दो, लेकिन नहीं कर रहा। तीसरी बात,
तीसरी बात क्या कि जो करंट यहाँ से चलेगी, परपेंडिकुलर वाले में होता है करंट की कहानी, उसमें क्या होती है मैं बताऊंगा अभी खुद, I1, I2, I3, तो यहाँ पे भी आएगा क्या, I1, I2, I3। और ये पॉसिबल कब है, अगर ये वाले जो है ना ये यहाँ ना हो, कहाँ हो, ऐसे कर दो इनको ऊपर नीचे, ये हटा दो यहाँ से, ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज़ में आ जाएंगे, और क्वेश्चन पूरा सिंपल हो जाएगा, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छे से इसको ट्राई करो सॉल्व करने की, अच्छे से, ये सर्किट बिल्कुल कुछ नहीं बनने वाला। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा देना, ये जंक्शन यहाँ से हटा देना, इसको यहाँ ज्वाइन करना जैसे पिछली बार भी किया हमने, और इसको भी यहाँ ज्वाइन करना, ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ से तोड़ देना, ये बिल्कुल दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, ये तीनों सीरीज़ में, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, जैसे ही आपने ये जंक्शन तोड़ दिया यहाँ से। क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, कौन सी सिमेट्री लगाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, जिसको लोग मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी सिमेट्री जब लगाने लगेंगे, दूसरी सिमेट्री कौन सी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बिना वाली, इसी लाइन के अलोंग ऊपर और नीचे वाला, ध्यान से, बिल्कुल क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। आओ देखें, ये अगर x है तो ये भी x है, ये y तो ये भी y, खत्म। तो क्या करना होता है, ये सारा नीचे का सर्किट मिटा दो, ये सारा नीचे का सर्किट मिटा दो, ये r था, ये r बाई टू हो जाएगा, सारे r बाई टू हो जाएंगे, जो जो नीचे जिनका साथी है ना वो सारे r बाई टू हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये भी r बाई टू, ये भी r बाई टू हो गया, ये अभी भी r है, फिर इसके आगे इसको सॉल्व कर लो, इसके आगे कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करने में मुश्किल आएगी आपको, कोई मुश्किल नहीं आएगी, ईजीली सॉल्व होता है, ईजीली सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके आगे इसको खुद सॉल्व करो और दोनों के रिजल्ट्स देखो सेम आते हैं या नहीं, ठीक है। एक और सर्किट है, ये भी दोनों जगह सिमेट्रिकल है, दोनों जगह सिमेट्रिकल है, पहले परपेंडिकुलर लगाते हैं, परपेंडिकुलर लगाई, परपेंडिकुलर आते ही ये दोनों रजिस्टर दिखे, इनको मिटा दो, खत्म होगी कहानी, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सबसे आसान है ये, जब ऐसा दिख जाए ना परपेंडिकुलर के ऊपर, तो उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ रहेगा ही नहीं, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, 20 बाई 3 आंसर, खत्म, 6-6 हटा दो, ठीक है। अगर दूसरी सिमेट्री से करना हो, दूसरी सिमेट्री से करना हो, कौन सी वाली, अलॉन्ग द लाइन वाली, ये वाली, उसमें क्या होगा, उसमें देखो क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है, ये ऑलरेडी बी है, वो तो दोनों जगह बी है, तो दोनों जगह ए है, बस यही आया, ये भी एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। फिर इसको ले लो ऊपर, ये वाला नीचे वाला पूरा पोर्शन मिटा दो, ये नीचे वाला पूरा पोर्शन मिटा दो, इसको लिख दो 5, इसका साथी है ना नीचे, इसका कोई साथी, ये 10 ही रहेगा, ये 10 ही रहेगा, ये भी 10 ही रहेगा, लेकिन ये 5 और ये 3, अब करो, अब कुछ भी नहीं है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करो मजे से, इसको मज़े से सॉल्व करो। अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ एक और चीज़, ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी बन रहा है यहाँ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये 5 रजिस्टर हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बन रहा है, ये 6, ये जो 3 आएगा वो भी मिट जाएगा, और अल्टीमेटली 10-10 ये आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। ट्राई करो इसको, ट्राई करो, देखो सेम रिजल्ट्स आते हैं या नहीं। ठीक है, इसमें ये 6 सीधा हट ही जाएगा, 6 हटाया नहीं हमने, ये 6 हट जाना था, मैं अभी बताता हूँ, मैंने देखा नहीं ध्यान से, देखो देखो मैं ध्यान से देखो, ये आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी ये लॉन्ग द लाइन जाइनिंग, ये अगर मैंने बोला x है तो ये भी x है, ये कोई और नोड है मान लो O, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, एक्स माइनस O, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस O, तो ये भी पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया पहले, बिल्कुल ठीक बताया पहले, इसको आराम से करो एंड गेट द सेम रिजल्ट्स इन बोथ द केसेस, गेट द सेम रिजल्ट्स इन बोथ द केसेस। थैंक यू।